हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक मल्टीपर्पज ज्वेलरी बॉक्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए देखें, ये मैं अपना पुराने सूट का यूज़ कर रही हूँ और फॉर्म सीट का यूज़ करूँगी और ये शॉपिंग बैग इसका यूज़ करूँगी और ये जिपर का यूज़ करूँगी। इन सब से मैं एक मल्टीपर्पज ज्वेलरी बॉक्स बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये काट लिए हैं, ये मेन फैब्रिक है, इसके अंदर मैंने ये देखो फॉर्म डाला हुआ है और पीछे लाइनिंग, ये मैंने पूरा फोल्डिंग कर लिया है। ये इधर बीच में से लाइन, इधर भी लाइन खींच ली है। इसका जो मेजरमेंट है ये है 18.5, इसकी लेंथ है और ब्रेथ में ये 9.5 का है, 18.5 और 9.5। ये आपने फोल्डिंग कर लेना है, मेन फैब्रिक, फॉर्म और लाइनिंग। अब 6 पीस आपको एक ही मेजरमेंट के काटने हैं। ये देखिए, ये मैंने काट लिया है। इसमें मैंने पीछे नॉन वूवन लगाया हुआ है, अगर आपके पास नॉन वूवन ना हो तो ये जो फैब्रिक शॉपिंग बैग आता है आप उसको उसका यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इसका यूज़ किया है इन सब में। इसका जो मेजरमेंट है ये है 13.5 लेंथ में है और ब्रेथ में ये है 8.5। इसे भी मैंने चारों तरफ से सिल लिया है। ये देखिए, इसी साइज़ के आपको 6 पीस काटने हैं, 6 पीस आपको इसी साइज़ के काटने हैं। आपको एक ये पीस काटना है। इसमें मैंने नॉन वोवन का यूज़ किया है, इसमें मैंने शॉपिंग बैग यूज़ किया है। अगर नॉन वोवन नहीं हो आपके पास तो आप शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने शॉपिंग बैग का यूज़ किया है इसमें। इसका जो मेजरमेंट है ये है 9.5 इंच लेंथ है इसकी और ब्रेथ है 9। इसको मैंने ये काट लिया है। आपको क्या करना है, इसके बाद इसको चारों तरफ से सिल लेना है। इसके साथ आप ऊपर से 1.5 इंच, जहाँ से 9 इंच आएगा, जहाँ से 9 इंच आएगा आपका, ये देखिए इधर से इधर ये 9 इंच का है, जहाँ से 9 इंच है एक लाइन खींचनी है, देखिए 1.5, और स्ट्रेट लाइन खींच के इसको कट कर लेना है। ये मैंने आधा कट कर लिया था, ये देखिए इसको कट कर लेना है। इस कट करके अब हम यहाँ पे जिपर का यूज़ करेंगे। अब हम इधर जिपर लगाएंगे। ये देखिए, ये जिपर है, ये मैंने इसमें जिपर अटैच कर दिए और इसका टॉप स्टिच भी लगा दिया दोनों साइड। अब आपको क्या करना है, ये मेन फैब्रिक लेना है जो 18.5 का था, 18.5 और 9.5 वाला, 18.5 लेंथ है ना, 9.5 ये लेना है और इसके ये टॉप से इसको यहाँ पे भी इसको यहाँ ऊपर रख के ये लाइनिंग साइड, जिस साइड लाइनिंग है उस साइड लगाएंगे आप इसे। यहाँ पे ऐसे रख के इसको चारों तरफ से सिल लेना है और नीचे साइड आपको थोड़ा सा टर्न करके यहाँ ऐसे फोल्ड करके, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करना है ऐसे, यहाँ इधर ऊपर ये चारों साइड सिल लेना है आपको। ये मैंने सिल लिया है चारों तरफ से, एक पॉकेट बनके तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 पीस काटे हुए थे हमने 13.5 इंच और 8.5 इंच का, ये जो 6 पीस काटे थे इसमें आपको यहाँ पे जिपर यूज़ करनी है। देखो जिपर लगानी है तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के यहाँ से यहाँ स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने जिपर लगा दिया इसमें। अब आपको ऐसे ही दूसरा पीस लेना है और यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिल देना है, इधर से इधर इसको सिल देना है ऐसे, तो ये जिप लग जाएगी इन दोनों के बीच में। रनर भी डाल दिया है और ये जिपर भी लगा दिया, इसके टॉप स्टिच भी कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो इसी का ये इधर वाला पार्ट है यहाँ पे आपको क्या करना है, इस साइड इधर भी आपको ये जिपर ऐड करनी है। यहाँ से इधर इधर सिल लीजिए, इधर से इधर, फिर इसका जो ये मैंने यहाँ से इधर सिल लिया है जिपर को। अब आपने ये वाला पार्ट लेना है इसी का, ये देखिए ये यहाँ था इसका, ये वाला इस साइड लेना है। यहाँ आपने जिपर लगा दी, इसका इधर वाला हिस्सा इसको इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर रख के अब यहाँ पे सिल देना है। इस जिपर के यहाँ पे ऊपर रख के यहाँ से इधर, इधर से इधर पूरी सिलाई कर लेनी है। तो ये जिपर इसमें अटैच हो जाएगा, फिर टॉप स्टिच लगा के इसमें रनर डाल देना है। देखिए, मैंने इधर भी ये जिपर अटैच कर दिया है, इसमें रनर भी डाल दिया है और इस साइड भी ये जिपर अटैच करके इसमें रनर डाल दिया और टॉप स्टिच, दोनों साइड टॉप स्टिच लगा दिया। अब आपको इसको क्या करना है, इसको टर्न करना है। ये टर्न करने के बाद आपको यहाँ से आपको क्या करना है, ये दोनों साइड इधर और इधर ऊपर से यहाँ नीचे तक दोनों साइड सिलना है, इस साइड भी सिलना है, इस साइड भी सिलना है। यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा ऊपर करके बिल्कुल ये जिपर तक ऐसे नहीं लेकर आना, आपको ये जिपर के इधर से नहीं लेकर आना, थोड़ा सा इसे ऊपर ऐसे करके तब यहाँ पे स्टिच करना है इधर से इधर। ऐसे ही जब आप इधर पीछे साइड होगा तो इधर से भी थोड़ा सा ऊपर रखना है ये फैब्रिक, ये थोड़ा सा ऊपर और यहाँ से सिलाई कर देनी है। ये बिल्कुल जिपर से ऐसे रख के नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे रख के छोड़ के तब जाके दोनों साइड स्टिच कर लेना है। ऐसे ही आपको जो और पीसेस है उनको भी ऐसे ही रेडी करना है, जिपर डाल के ऐसे ही लगा के पूरे जो 6 पीसेस है आपको पूरे ऐसे ही रेडी करने हैं जिपर लगा के, उसके बाद दोनों को साइड में स्टिच कर लेना है। इधर भी ये सिल गया। अब इसको टर्न कर देना है, यहाँ बाहर निकाल लेना है इसको। ये देखिए, मैंने इनको सीधा कर दिया है, एक जिपर इधर एक इधर। अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है, इन दोनों का सेंटर निकालना है। ये देखिए, मैंने सेंटर निकाल दिया है। अब यहाँ पे स्टिच कर लेना है, इधर से इधर सिलाई कर देनी है आपको। ये देखिए, बीच में मैंने सिलाई कर ली है। अब ये 2 पॉकेट बनके तैयार हो गई है, एक इधर
और एक इस साइड, टू पॉकेट बन गए। ऐसे ही आपको जो छह पीस है पूरे टोटल उन सबको ऐसे ही सिलना है और ऐसे ही जिपर लगानी है। देखो मैंने रेडी कर दिया है, ये मेरा दूसरा, मेरे तीसरा, ये देखिए ये ऐसे ही रेडी होंगे जैसे एक के थे। आपको सब ऐसे जिपर लगा के रेडी कर लेना है, बीच में फिर सिलाई कर देनी है इसके सेंटर में। ये देखो अब आपको ये पार्ट लेना है जिपर, ये पहले जिसमें हमने जिपर ये अटैच की थी, अब इसका सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे करके बीच में से ये आपका सेंटर, ये मैंने सेंटर निकाल दिया और इसमें लाइन खींच दिए। अब आपको क्या करना है, इस लाइन से जो सेंटर वाली लाइन है इससे एक सेंटीमीटर एक इंच नीचे एक और लाइन खींचनी है और इसी से ही एक इंच ऊपर, दोनों जगह लाइन खींचनी है एक एक इंच में सेंटर लाइन से, और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्ट्रेट मेरी, ठीक है ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इनका भी सेंटर निकालना है, इसका भी सेंटर, ये इसका सेंटर है, देखिए ये बीच में सेंटर है, ये बीच में सेंटर वाली लाइन इससे वन इंच नीचे और वन इंच ऊपर और सेंटर वाली लाइन। अब इसका भी आपको सेंटर निकालना है, ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके ये इसका सेंटर निकल गया है। ऐसे ही आपको तीनों ओर इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर निकालना है। अब आपको क्या करना है, ये बीच में सेंटर, ये जिसमें हमने लाइन खींची थी दो पार्ट में डिवाइड किया था, इसका सेंटर वाली लाइन ये है, ठीक है, और लंबाई में इसकी सेंटर वाली लाइन ये है। अब इसको जो हमने ये वन इंच खींचा था लाइन सेंटर वाली से ऊपर वन इंच, और ये सेंटर में ये जो लाइन है इसकी, इसको इस पर रखना है सेंटर वाली से सेंटर को मैच करके ऐसे, और ये अब आपको यहाँ से इधर से पूरा स्टिच कर लेना है, जो वन इंच ऊपर खींचा था वहाँ से कॉर्नर से लेकर आके इसके ऊपर पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेना है, और ये सेंटर वाली लाइन इसके नीचे इसकी सेंटर से मैच होगी यहाँ पे इधर और इधर, और यहाँ से यहाँ इसको स्टिच कर लेना है। सिल दिया है। अब क्या करना है, जो ये बीच में सेंटर वाली लाइन है और इसकी ये बीच वाली लाइन, ठीक है, इसका भी हमने क्या किया है बीच में ऐसे करके इसका सेंटर निकाल दिया है, ठीक है, लंबाई में। और अब इस सेंटर को, इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर, जो बीच में हमने इन दोनों का बीच वाला निकाला था सेंटर लाइन, इसको बीच में, इसको बीच में ऐसे रख के अब यहाँ ऐसे करके ये जो वंस ये था बीच में सेंटर वाली लाइन, अब यहाँ से इसको भी यहाँ से और इधर पूरा स्टिच कर लेना है इसके ऊपर ऐसी। फिर जो ये हमने वन इंच नीचे डाउन की थी ऐसी तीसरा पार्ट लेना है इसका, ये वाला, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये देखिए सेंटर निकाल के इसको भी, इसका सेंटर ये है, ऐसे रख के इसको भी जो वन इंच था वन इंच में यहाँ से यहाँ स्टिच कर लेना है, इसको सेंटर वाली पे, इसको सेंटर वाली, इसको सेंटर के नीचे वाली वन इंच में स्टिच कर लेना है इधर से इधर। ये देखिए मैंने सिल दिया है इसको, ये देखिए ये दो पार्ट, ये फिर ये, फिर ये दो पार्ट, इनको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे रख के इसका सेंटर करना है, इसे ऐसे इसका सेंटर पे मार्क करनी है, जैसे ये इसका सेंटर हो गया, ये देखिए ऐसे ही अंदर भी इसका सेंटर ये है, देखिए ये घेरा इधर इधर और यहाँ पे इनके सेंटर। पट्टी काटनी है, ये फोर इंच इसकी ब्रेथ है, फोर इंच, ये देखिए इसके हाइट फोर इंच, ये फोर इंच है और इसकी ये इसकी लेंथ है 23 इंच। इसमें मैंने फैब्रिक लाइनिंग और अंदर फॉर्म ये डाल के इसको स्टिच फुल्टिंग कर लिया है, ये देखिए बीच में ये फुल्टिंग कर लिया है। आपको भी एक ऐसी ही पट्टी काट लेनी है। अब इस पट्टी काटने के बाद आपको ये जिपर, जितनी ये इसकी लंबाई है उतनी इस पर जिपर लगानी है, तो यहाँ पे जिपर को ऐसे रख के, जिपर को ऐसे रख के यहाँ पे स्टिच कर लेना है, फिर रिटर्न कर लेना, इसमें फिर रनर भी डाल देना है, इसको यहाँ से पूरा इधर तक जिपर को इसके साथ स्टिच कर लीजिए। इनका सेंटर ले लेना है, यहाँ पे भी ऐसे रख के इसका बीच का सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ले लेना है, इधर से भी इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ये सेंटर हो गया है, ये देखिए एक इधर 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 इधर, ऐसे ही क्या करना है आपको, ये मैंने ये रेडी कर दिया, इसे मैंने जिपर लगा दिए और रनर भी डाल दिया, ये देखिए। अब क्या करना है आपको, इसका भी सेंटर लेना है, ये इसको ऐसे जॉइंट फोल्ड करके, इसको ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर यहाँ पे, इधर से भी इसका सेंटर, इसको ऐसे करके पकड़ के इसका सेंटर यहाँ भी, इस साइड भी फोल्ड करके इसका ऐसे ही सब जगह सेंटर ले लेना है, ये देखिए इधर टॉप में नीचे इसके और ये रहा इस साइड, ये सब इनके सेंटर, इनके सेंटर ले लिए। अब आपको ये पकड़ना है, ये देखिए ये लेना है ये वाला पार्ट, अब इसको इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों पिन से स्टिच कर लेना है ऐसे, ये देखिए ऐसे यहाँ पे भी पिन लगा देना है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक ये पहले पिन लगा दीजिए जिससे ये लेना। अब आपको ये सेंटर पे यहाँ से स्टिच करते हुए, ये स्टिच यहाँ से, ये जिपर स्टिच करते हुए यहाँ तक लेकर आना है,
उसके बाद इसको इस पार्ट को इधर ऐसे टर्न करना है, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे भी पिन लगा दीजिए ऐसे। अब ये वाला पार्ट ये यहाँ पे ये ऐसे पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लेना है, ये पिन लगा देना है, उसके बाद इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए ये मैंने अभी मैंने पिन अप कर लिया है चारों तरफ इसको, तब इसको पिन करके, पिन अप करके क्या होता है कि इस तरह खिसकता नहीं है और आप आराम से इसमें सिलाई कर लोगे। ये देखो चारों तरफ मैंने इसमें पिन अप कर लिया है, ये देखिए अब मैं इसको सिल दूंगी। आपने जो मैंने 23 इंच का जो पट्टी काटी है वो आपको इस वजह ऐसे काटी है कि आपको मेजरमेंट लेना है यहाँ से, यहाँ जैसे मैंने लिया है देखो इतना, आपने मेजरमेंट लेके इसका तब जाके आपने अपनी पट्टी काटी है। ये देखिए मेरा 23 आ रहा है तो इसलिए मैंने 23 की पट्टी काटी है और तब उसको उसका सेंटर लेकर यहाँ यहाँ स्टिच कर लिया है। देखिए स्टिच नहीं, अभी तो मैंने पिनअप किया है, ये देखिए ये सब पिन कर लिखा है, पिनअप कर रखा है। अब मैं इसको इधर भी, इधर इसके चारों तरफ इसको सिल लूँगी, ये जो एजेस निकल रहे इसकी फिनिशिंग करनी है आपको। तो ये मैंने 2 इंच ये 1.5 इंच की पट्टी काटी है, ये देखिए अब इसको आप ऐसे करके ये यहाँ पूरी इसको जो एजेस निकली हुई है जितने भी एजेस है ये पूरे इसमें वो कर लीजिए, ये पाइपिंग कर लीजिए। जो ये मैंने ये मल्टीपर्पज ज्वेलरी बॉक्स बना दिया है, ये देखिए इसे बीच में मैंने यहाँ पे हैंडल लगाया हुआ है इसके, ये देखिए इसे यहाँ से देखिए खोल के यहाँ पे एक मैंने पॉकेट बनाई है, ये देखिए इस पॉकेट में आप ये देखिए अपने बिंदी कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप मेडिसिन रख सकते हो, ये सब मेडिसिन। इससे मैंने 6 पाउचेस बनाए हुए, इसके अंदर 6 पॉकेट बनी हुई है, ये देखिए आप इसमें मेकअप का सामान भी रख सकते हो अपने, ये इसमें आप अपने ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी का सामान भी रख सकते हो, इयररिंग्स, नेकलेस कुछ भी रख सकते हो। ये देखिए ये 6 पॉकेट इतनी बड़ी बड़ी बनके तैयार हुई है, देखिए इसको आप कहीं भी, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं इधर उधर जा रहे हो तो इसमें आप अपना सामान रख के लेकर जा सकते हो। ये देखिए ये एक मल्टीपर्पज बॉक्स बन के तैयार हुआ है, इसमें आप ज्वेलरी रख सकते हो, इसमें आप मेडिसिन रख सकते हो, अपना मेकअप का सामान रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप इसमें। ये देखिए ये मैंने अपने घर में पड़े हुए वेस्ट जो मेरा सूट था उससे बनाया हुआ है, आप किसी भी पुराने फैब्रिक से इसको आराम इजिली अपने घर में बना सकते हो। देखो ये बन के बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।